नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों आप किसी भी फोटो पर अगर होली वाला रंग करना चाहते हो, लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। अगर आपके पास पिक्सल लैब एप्लीकेशन नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दिया और जाकर डाउनलोड करके दोस्तों इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, तो आपको इसमें क्लिक कर लेना और यहाँ पर डिलीट का आइकन दिया गया, उस पर क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पर ओके कर देना तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फोटो को लेना है, जिस भी फोटो पर आप रंग करना चाहते हैं होली वाला, तो इसके लिए प्लस के आइकन पर टच करेंगे, फ्रॉम गैलरी आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका गैलरी यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका कोई फोल्डर फाइल में है तो यहाँ पर थ्री लाइन पर टच करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना फोल्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर रिसेंट में ही है, इसके लिए मैं यहाँ पर अपना जो फोटो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो को इस तरह से जूम करके जितना भी करना चाहते हैं इस तरह से आपको बैठा लेना है, ठीक है ना। पूरा इस तरह से आपको बैठा लेना, मैं यहाँ पे बैठा लिया हूँ, ठीक है। इस तरह से देख पा रहे हैं, बैठा लिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी कलर करने के लिए आपको फिर से प्लस के आइकन पर टच कर देना। उसके बाद नीचे पर देख पा रहे हैं ड्रॉ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करने के रहेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लर रेडियस, उस पर आपको पूरा फुल कर देना, देख पा रहे हैं ये वाला का पूरा फुल कर देना। उसके बाद यहाँ पे नियॉन इफेक्ट को टर्न ऑन कर देना और यहाँ पे स्मूथनेस को दोस्तों थोड़ा बढ़ा देना, 35-40 तक कर देना, 37 जितना भी रख इतना कर देना। और उसके बाद पेन साइज 10 है तो 10 ही रहने देना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना, कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्लस के आइकन पर टच कर देना, यहाँ पे आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे या इस तरह से पूरा बढ़ा लेंगे, ठीक है। रेड किया तो रेडी, ठीक है। अभी रेड को आप टच करेंगे, इस तरह से टच करने के बाद इसके गालों में दोस्तों इस तरह से आपको लगा देना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन करते हैं, तो ग्रीन भी ऐसा करके कर दे। अभी येलो कर देते हैं, देख पा रहे हैं। अगर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है तो एक बार बैक कर देंगे कुछ इस तरह से, तो ये दोस्तों हट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे कर लेते हैं, इस तरह से हो गया। अभी फिर इसके इस तरफ भी लगा देते हैं गालों में, तो यहाँ पे इस तरह से कर लिए। फिर रेड क्लिक करेंगे, जो जी कलर लगाना चाहते हैं आप इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव इमेज पर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो रहेगा उस पर टच करेंगे। उसके बाद अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे, किसमें इसमें दोस्तों हाई क्वालिटी में आपका जो पिक्चर है सेव होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव टू गैलरी पर आपको टच कर देना है। जैसे सेव टू गैलरी पर टच करेंगे आपका इमेज जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। देखिए इमेज सेव्ड हो गया, यहाँ से आपको पूरा बैक करके आपको दिखा देते हैं, बैक करके आपको अपना मैं गैलरी में सेव हुआ कि नहीं दिखा देता। फाइल मैनेजर में टच करता हूँ, उसके बाद यहाँ फोटोज पर टच करने के बाद यहाँ पे रिसेंटली यूज एल्बम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्सल लैब पर टच करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोटो में दोस्तों होली वाला रंग लग चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही ईजी तरीके से आप किसी भी फ़ोटो पर आप होली वाला रंग लगा सकते।